मत हमें बता दें। नमस्कार, आपको मालूम है शंकर सिंघानिया कौन है? फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, इंडिया के 10 टॉप रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। वो जितना टैक्स भरते हैं उतना महाराष्ट्र सरकार का एक महीने का बजट होता है। उनकी सपोर्ट के बिना कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सरकार तक नहीं बना सकती। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं? अरे शंकर साहब चाहे तो 24 घंटे के अंदर अंदर केंद्र सरकार का तख्ता भी पलट सकते हैं। आप जानते हैं उन्होंने स्टेट के लिए क्या क्या किया है? स्कूल कॉलेजेस बनवाए हैं, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, हर कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ किया है, इसीलिए लोग उन्हें इतना चाहते हैं। आप समझ लीजिए एक तरह से उनकी पूजा करते हैं लोग। सर लोगों की बात छोड़िए, जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तब हम उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं का दरवाजा खटखटाते हैं और वो बिना सोचे हमारी मदद करते हैं। ऐसे आदमी पर आतंकवादियों से मिले होने का इल्जाम लगाने का मतलब जानते हैं आप? लोग हंसेंगे हम पर, कहेंगे पुलिस वाले पागल हो गए। एक्सक्यूज मी सर, पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो अभी इस डिपार्टमेंट की इज्जत कौन से आसमान पे है? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कैसी कैसी बातें करती है। गुंडों से ज्यादा अच्छी इमेज नहीं है हमारी। अगर किसी गरीब आदमी की जेब कट जाए और गलती से वो थाने में रिपोर्ट लिखाने आ जाए तो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे वो खुद एक मुजरिम हो। तुम्हारी जेब कहां कटी? क्या वक्त था? तुम वहां पर क्या कर रहे थे? तुम्हारी जेब में पैसे कितने थे? अरे तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? अनाप शनाप सवाल पूछकर उस बेचारे की बोलती बंद कर देते हैं और फिर उसे कहते हैं जाओ 5 ठंडा लेकर आओ और कुछ सिगरेट भी लाना। मजबूरन उस आदमी को जाना पड़ता है और उसके जाते ही सब लोग आपस में ये बातें करते हैं कि उस इलाके का जेब कतरा कौन है। पांडू? अरे नहीं नहीं, पांडू तो गांव गया हुआ है, राजू ने काटी होगी। तो राजू को बुलाया जाता है, उसे अरेस्ट नहीं किया जाता बल्कि उससे अपना हिस्सा लिया जाता है और ऐसा करने से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में कोई स्कूटर वाला गलती से सिग्नल से थोड़ा आगे निकल जाए तो कयामत आ जाती है। स्कूटर साइड में लगाओ, लाइसेंस दिखाओ, तुम्हारे स्कूटर की लाइट जलती है, हवा है टायर में, पेट्रोल है? ऐसे पूछताछ करते हैं जैसे वो बेचारा सिग्नल नहीं बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हो। और ये सख्ती कानून के लिए नहीं की जाती, अपनी जेब के लिए की जाती है, 20-50 जो भी मिल जाए। और ऐसा करने से हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। पुलिस थानों में तस्करों दलालों क्रिमिनल्स की आवभगत की जाती है, उन्हें कुर्सी पेश की जाती है तो उससे बहुत इज्जत बढ़ती है हमारे डिपार्टमेंट की। क्राइम अगर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कल तक लोगों की जेबें काटने वाला आज लोगों के गले काट रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। चरस गांजे की तस्करी करने वाला आज हथियारों की तस्करी कर रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। एक चकला चलाने वाला देखते देखते सरकार चलाने वाला बन जाता है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। हर महीने की पहली तारीख को हम लोग तनख्वाह लेने पहुंच जाते हैं लेकिन वो पैसे आते कहां से हैं? सरकार से, मिनिस्टर या एमएलए से? नहीं, वो पैसे जनता के हैं, उस जनता के जिसके साथ हम लोग तमीज से बात भी नहीं करते। जनता ने देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जवानों को रखा है और समाज की हिफाजत के लिए हमें। जवान तो अपना काम करते हैं लेकिन हम, कारगिल में जब हमारे जवान शहीद हुए थे तो पूरा देश रोया था लेकिन जब एक पुलिस वाला मरता है तो लोग उल्टा खुश होते हैं, कहते हैं कि अच्छा हुआ एक घुसखोर कम हुआ। हमें यह सिचुएशन बदलनी है, अपनी इमेज बदलनी है ताकि लोग भी हमारे बारे में कुछ अच्छा कहें। और ये सब पुलिस स्टेशन में मंदिर बना डालने से या दीवारों पर अच्छी अच्छी लाइन लिख डालने से नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। मुजरिमों को इस वर्दी की ताकत बतानी होगी, चाहे वो छोटा मोटा पॉकेट मार हो या असरदार और अमीर शंकर सिंघानिया हो, तभी जाकर ये जनता हमसे जुड़ेगी और हमारी इज्जत करेगी। ओके, यू कैन प्रोसीड। प्लीज मेरी बात मानिए, कुछ दिनों के लिए आप आउट ऑफ इंडिया चले जाइए, तब तक आजाद का जोश भी ठंडा हो जाएगा। गलत। जिसकी नसों में ईमानदारी का खून दौड़ रहा हो, जिसका दिल देश के लिए धड़कता हो, वो
उसका जोश कभी ठंडा नहीं पड़ सकता। अब मैं दुनिया के किसी कोने में भी छुप जाऊं, आजाद मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह कानून, ये हथकड़ी, अदालत, इन सब की मुझे कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ अपने इकलौते बेटे की। आजाद की नजर में मेरा बेटा संजय नहीं आना चाहिए, इसलिए उसे बचने का नहीं बल्कि सामना करने का वक्त आ गया है। साहब, डीसीपी साहब आए हैं। ठीक है, आने दो उसे। आओ आओ आजाद। नमस्कार। हमें मालूम था तुम आओगे, मगर इतनी जल्दी आओगे ये मालूम नहीं था। मुझे तो लगता है मैंने यहां आने में बहुत देर कर दी, मुझे यहां बहुत पहले आ जाना चाहिए था। आजाद, थोड़ा करो, मेरा साथ दो, ऐश करो। तू कॉपरेट कर और मेरे साथ चल, तुझे सरकारी दामाद बनाकर अच्छी तरह से खातिर करूंगा। शायद तुम्हें पता नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, तुम्हारे सीनियर्स मेरे सामने सर झुकाते हैं। और शायद तुझे ये पता नहीं कि राजशेखर आजाद सिर्फ तिरंगे के सामने सर झुकाता है। देखो आजाद, इस तरह की बातें नए नए रंगरूटों को शोभा देती हैं जिन्होंने अभी अभी वर्दी पहनी। तुम तो बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर हो, बहुत सालों से काम कर रहे हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, दोस्ती कर लो मुझसे। शिकारी अपने शिकार के साथ दोस्ती नहीं करते। शंकर सिंघानिया का शिकार करोगे, अपनी मौत को बुलाओगे तुम। ए, चिल्ला मत, नहीं तो अभी का अभी सारा खेल यहीं खत्म कर दूंगा। इंस्पेक्टर। यस सर। हाँ तो डीसीपी आजाद साहब, शंकर सिंघानिया जी आपको आतंकवादी लगते हैं? आपको गांधीवादी लगते हैं? देखिए, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। जवाब जानते हुए सवाल करना भी सवाल नहीं होता। क्या आप अदालत में यह साबित कर सकते हैं कि शंकर सिंघानिया का किसी भी तरह का रिश्ता टेररिस्ट वसीम खान के साथ है? हाँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि शंकर सिंघानिया का हर तरह का रिश्ता वसीम खान के साथ है। अच्छा, इसके लिए कितने गवाह खरीदे आपने? गवाह खरीदने और बेचने का धंधा आप जैसे कानून के दलाल करते हैं। जबान संभाल के जवाब दीजिए डीसीपी साहब। दिमाग ठिकाने रख कर सवाल कीजिए वकील साहब। ऑर्डर 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 ऑर्डर। वकील साहब, आप सिर्फ इस केस से जुड़े हुए सवाल ही पूछिए। यस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं इनके गवाहों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। यस, प्रोसीड। योर ऑनर, मेरा गवाह कुछ ही देर में अदालत में हाजिर होगा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। परमिशन कर सर, मैंने उनको बहुत ढूंढा, वहां पर कोई नहीं। योर ऑनर, मैंने पहले ही कहा था कि अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है, इंतजार का कोई मतलब ही नहीं। डीसीपी आजाद कोई गवाह पेश नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई गवाह है ही नहीं। मिस्टर आजाद, आपको क्या कहना है? आई एम सॉरी योर ऑनर। अदालत शंकर सिंघानिया को बाइज्जत रिहा करती है और पुलिस डिपार्टमेंट को वार्न करती है कि जब तक कोई ठोस सबूत ना हो, गवाह ना हो, किसी भी शरीफ शहरी को अदालत में लाकर परेशान ना किया जाए। क्यों
डीसीपी आजाद, बहुत गुस्सा आ रहा है। जो लोग जोश में आकर होश खो देते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। वसीम खान के साथ तुम मेरा रिश्ता साबित करना चाहते थे ना? सीना ठोक कर कह रहा हूं, उसके साथ मेरा रिश्ता है। लेकिन तुम तो क्या, तुम्हारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को साबित नहीं कर सकता। तुम्हारा गवाह अदालत नहीं पहुंचा क्योंकि मैंने उसे पहुंचने नहीं दिया, और अगर वो पहुंच भी जाता तो क्या कर लेता? इस जज को मैं खरीद लेता। इस देश में सब कुछ बिकता है, बस सिर्फ कीमत सही होनी चाहिए। मुझसे दोस्ती करोगे तो उसकी पूरी कीमत मिलेगी तुम्हें, और अगर दुश्मनी करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब कीमत लेनी है या चुकानी है, इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। सर, आपके लिए फर्ज जरूरी हो सकता है, लेकिन इनके लिए फर्ज के साथ साथ आप जरूरी हैं, आपका परिवार जरूरी है। सर, आप ऐसा मत समझिए कि अगर एक गवाह अदालत नहीं पहुंचा आप जंग हार गए। सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर, जो जंग आपने इस मुल्क के गद्दारों के खिलाफ शुरू की है, कसम परवरदिगार की, उस जंग के अंदर जीत आप ही की होगी सर। और जिस दिन सर आप जीत का सेहरा अपने सर पर बांध कर लौटेंगे, उस दिन सर आपको अपने बच्चों और बीवी की जरूरत का एहसास होगा, क्योंकि जब तक कामयाबी की खुशी बांटने वाला कोई अपना ना हो तो उस कामयाबी की खुशी का मकसद ही क्या है सर? इन लोगों ने आपके बच्चों की जान बचाई, उसकी में बहुत खुशी है, लेकिन इस खुशी से ज्यादा गम और दुख इस बात का है कि आपको दिया हुआ वादा ये लोग निभा ना सके। इसलिए आज ये सब लोग इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। क्यों आजाद, अब तो पता चल गया ना तुम्हारे अपने लोग हमारा कितना ख्याल रखते हैं। हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। अब देखो ना, आज तुम खुद मुझे यहां से बाहर लेकर जाओगे। मान गए ना वसीम खान की ताकत को? गौर से सुनो, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब ना ये मुल्क आजाद रहेगा और ना ये आजाद। अब तू गौर से सुन, ये आजाद रहे ना रहे, लेकिन मेरा देश आजाद है और हमेशा आजाद रहेगा। जानता तो अब तक जिंदा क्यों है? क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था कि शंकर सिंघानिया तुझ जैसों का एजेंट है, और आज उसने तेरी रिहाई के लिए सरकार को धमकी देकर खुद साबित कर दिया कि वो देशद्रोही है। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी। मैं भी पहले प्यार से समझाता हूं, फिर हथियार से। सॉरी सर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। ये क्या किया तुमने? इसे मार डाला? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें इसे पूछताछ करने के लिए कहा गया था? किसने ऑर्डर दिया तुम्हें इसे मारने के लिए? किसने परमिशन दी तुम्हें? तुम्हें किसी को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। जज नहीं हो तुम, सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हो। मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, मैं इंडियन हूं, इंडियन।
जब कोई मां की इज्जत लूट रहा हो तब बेटा बाप से परमिशन लेगा? नहीं, उस हैवान को वही मार डालेगा, और यही मैंने किया, क्योंकि मेरे लिए मां और मुल्क एक है। मैं उन सब देशद्रोहियों को मार डालूंगा जो इन जैसों का साथ दे रहे हैं, और उन सबको मारने का हक सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर इंडियन को है, और यह हक हमसे कोई नहीं जी सकता।